मैं दूसरे उचक्कों और बदमाशों को बुलाकर तेरे मुल्क को तकसीम कर दूंगा, फिर हम पाकिस्तान में शामिल होते तो हम बुजुर्ग होते। वी वुड नॉट हैव एंटर्ड दिस पाकिस्तान इफ द कंडीशंस हैड बीन गिवन टू अस। हमारे साथ फ्रॉड हुआ। तहरीक मीडिया जे हर इंदर वीडियो दिसण जे लाए गाढ़े रंग जे सब्सक्राइब जे बटन के दबायो आए उन जे बरसा घंटी जे बटन के जरूर दबायो। इन सा असा जो नई वीडियो सब का पहिरी तवा के दिसण लाए मिली सकंदियो। वीडियोस पसंद अचन त लाइक कयो, शेयर कयो ए कमेंट कयो। आई इनवाइट मिस्टर रसूल बशपली जो चीफ ऑफ अवामी तहरीक। सबसे पहले तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं फ्रेंडशिप पोस्ट को मुबारकबाद दूं कि उन्होंने एक मरतबा फिर जिस मसले को हम सिंध में सिंध के अहम मसाइल समझते हैं उनमें से एक मसाला को उन्होंने यहाँ सामने पेश किया है। मैं अपनी बात इस तरह शुरू करूंगा कि मिल्कियत के का एक किस्म नहीं होता, कई अकसाम होते हैं। जाती मिल्कियत होती है, खानदानी मिल्कियत होती है, कौम की मिल्कियत होती है, कबीले की मिल्कियत होती है। बलोचिस्तान में कबीले की मिल्कियत है, मरी कबीले की मिल्कियत, जाती मिल्कियत है, कॉरपोरेट प्रॉपर्टी है, कौमी होती है, बैन अक्वामी भी होती है कि सारी धरती है। कोई मुल्क है कि मैं इस मुल्क का इस टुकड़े को मैं ये करना चाहता हूँ तो जो दुनिया को बचाने वाले हैं वो कहते हैं नहीं जी आप नहीं कर सकते, ये आपका मुल्क बराबर है, ये हदूद आपकी हैं, लेकिन इसमें आप वो काम न करें जिससे कि सारी दुनिया के लोगों का वजूद, उसकी भलाई, उसकी बहबूदी खतरे में पड़ जाए। तो ये बड़ी एक ऐसी दुनिया जो मैं सारे लोगों को एक दूसरे पर इन्हसार है और एक एक दूसरे के हकूक के तहफ़ पर यह दुनिया बनी। जिस तरह जाती मिल्कियत होती है इस तरह कौमी मिल्कियत भी होती है, कबायली भी होती है, जैसे मैंने अर्ज किया। तो एक दुनिया में छोटी सी कौम है सिंधी, हम 5000 बरस से इस इलाके पर रह रहे हैं और लोग भी रहते हैं, जर्मन से हैं, फ्रेंच हैं, अंग्रेज हैं, जापानी हैं। अब अगर कोई ये नारा बुलंद करे कि सारी दुनिया इंसानों की है, बनी आदम आजा यक दिगरन, इसलिए फ्रांस के सारे वसायल सारे इंसानों के हो गए, तो फिर फ्रांस में लोगों को आने क्यों नहीं देते? अगर मुसलमानी का ठेका हमने उठाया है तो हमसे बेहतर मुसलमान तो सऊदी अरब वाले हैं जो हरमैन शरीफैन के मुहाफिज हैं। ये लेक्चर उन्हें क्यों नहीं पिलाया जाता कि ये जो सरजमीन है जहां से लोग आते हैं, गरीब और मुसलमान आते हैं, उनको तुम हकूक मिल्कियत क्यों नहीं देते, उनको शरीयत क्यों नहीं देते? हमने फैसला कर लिया था। किसने फैसला किया था उनको पाकिस्तानी बनाने का? द बंच ऑफ रूलर्स हु डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान, द क्रिमिनल गैंग वाज रिस्पांसिबल फॉर किलिंग मिलियंस ऑफ पीपल। उस बंच को आप हक देते हैं कि हमने फैसला कर लिया था? ये कौन हम हैं कि हमारी मिल्कियत के मुतालिक फैसला करते हैं जो सरजमीन हमारी है? तो जनाब मन, सिंध की सरजमीन के हिफाजत के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने मुगलों से लड़ाइयाँ की, अफगानों से की, सुल्तानों से की, हुंस से की। अवर फोर फादर्स एंड द फोर फादर्स ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब एंड द एंटायर सबकॉन्टिनेंट फॉट अगेंस्ट एग्रेशन। हमारी औरतें ली जा गई, हमारे बच्चे ले गए, हमारे खून की नदियां बही। हम क्यों लड़े थे? अगर एक दिन यह होना था कि दुनिया में जो भी आदमी अपने मुल्क से गद्दारी करे, अपने मुल्क के लोगों को खून में नहलाए, अपने वतन से बेवफाई करे, वो यहां आकर इस सरजमीन के वसायल से फैजयाब हो सकता है, तो फिर हमने ये कुर्बानियां क्यों नहीं दी? फिर कौमियत क्या है? दुनिया में जहां तक मुसलमान का हवाला है तो मुसलमान तो एक कौम है। ये किसने आपको और हमें हक दिया कि हम कहें कि पाकिस्तानी कौम है? क्या कुरान पाकिस्तानी नामी कौम की शख्सियत से कोई वाकफियत रखता है? क्या इस्लामिक लॉ के मुताबिक, शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक दुनिया में कोई भी वाहिद इस्लामी मुल्क हो सकता है? कैन एनीबडी क्लेम सॉवरेंटी ऑफ इस्लामिक स्टेट व्हेन द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर सेपरेटेड फ्रॉम इट? यहां तो एक ही खलीफतुल मुस्लिमीन होता है,
नबी का जानशीन एक होता है। दुनिया में अगर कोई इस्लामी मुमलकत है, मुसलमान मुमलकत है, तो दुनिया में एक बनी है। हुजूर की रविश, हुजूर की सुन्नत 50 मुमलकतों 50 फॉरेन एंटिटीज को कबूल नहीं करती। अब उसको तो नहीं मानते। अगर सारे लोगों को यहां मेरे मुल्क पर कब्जा करने का हक है, मेरी कोई जाति, मेरी कोई इज्तमाई, मेरी कोई कौमी वतन नहीं है, पाकिस्तान बनने के 14 अगस्त को मैं बेवतन बन गया, मेरा माल माले गनीमत बन गया, जो भी जहां से आए जिस जनरल की मर्जी हो मेरे मुल्क पर, मेरे दरिया पर, मेरी आबादी पर, मेरे बच्चों के रिस्क पर कब्जा कर दे, बांट दे, सखावत कर दे, तो क्या इसलिए मैंने पाकिस्तान बनाया था? क्या यह था पाकिस्तान का मफहूम? पाकिस्तान रेजोल्यूशन ये था? और यह है इस्लाम जो हमें सिखाया जाता है उन लोगों को जिनसे जो जो उन्होंने इस्लाम की तशरीह की है, जिसने पाकिस्तान को 25 वर्षों के अंदर जला कर दिया, जो आज भी ये दहशतगर्दी कायम किए हुए हैं, जो मुल्क को आग में खिला रहे हैं, ये कंसंट्रेशन कैंप्स, नाजी कैंप्स कायम किए हुए हैं, वो लोग हमें इस्लाम सिखाते हैं, वो हमें आईनी मुल्कदारी सिखाते हैं, वो जिन्होंने पाकिस्तान को रुसवा किया, सरे बाजार रुसवा किया, हमें सिखाया जाता है कि उसको फख्र करो। हम फख्र करें इस बात कर क्या हमने अपने वतनों को, हम वतनों को बंगाल में जो मुसलमान भी हैं और बफजल्लाह तारा हमसे बेहतर मुसलमान हैं, मैं जानता हूं उनको, हम इस्लाम का ठेका उठाएं कि हम उनसे बेहतर हैं? क्या वो मुसलमान नहीं थे जिनको कत्ल किया गया, जिनकी औरतों को जबह किया गया, जिनको कुएं में डाला गया? इस बात पर हम फख्र करते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों ने उनको जबह करने में, उनकी इस्मत बाख्तगी करने में मदद दी, उनको फख्र ऐलान करते हैं कि यह हमारी तरह पाकिस्तानी है। यानी हमने रेप किया, वो हमारे साथ शामिल थे, तो वो हमारे भाई पाकिस्तान है, उनको बुला लो। This is a matter of shame. It's not a matter of pride. It is something to be ashamed of in our history. Yes, sir. 1940 resolution के तहत पाकिस्तान में शामिल हुआ था। कोई लॉटरी नहीं लिखाई गई थी। किसी जनरल ने हमें हुक्म नहीं दिया था क्या तुम मुसलमान मेरी बैरक, या आप तशरीह करते उस वक्त कि मुसलमान की माना हो गया, तुम्हारा मुल्क मेरा होगा, तुम्हारी जमीन को मैं फतेह करूंगा, मैं दूसरे उच्चकों और बदमाशों को बुलाकर तेरे मुल्क को तकसीम कर दूंगा, फिर हम पाकिस्तान में शामिल होते, तुम हम बुजुर्ग होते। वी वुड नॉट हैव एंटर्ड दिस पाकिस्तान इफ द कंडीशंस हैड बीन गिवन टू अस। हमारे साथ फ्रॉड हुआ, हमें मिसगाइड किया गया है। हमें उस वक्त जो कहा गया था, वो कहा गया ये इस्लाम का मुल्क होगा, भाईचारा होगा, तुम्हारे हकूक का तहफ्फुज़ होगा, जमहूरियत होगी, इस्लाम के रोशन और दर्शन मिसालों पर अमल किया जाएगा। हमें यह नहीं कहा गया कि जनरल यहां बैठकर अपने एक फासिस्ट आइडियोलॉजी के तहत हमें हुक्म देंगे कि इस्लाम ये है। इस्लाम हमें कोई नहीं सिखा सकता, हम सबसे बेहतर इस्लाम के तालिबे इल्म हैं, हमें पता है कि इस्लाम का रूह क्या है, हम उम्र को जानते हैं, हम सारे अफराद के, हमारे किरदारों के, उनके नुक्ता नजर से अच्छी तरह वाकिफ रखते हैं। हमें यहां लोगों से सीखने की कोई जरूरत नहीं है कि इस्लाम का रूह क्या है, जमहूरी रूह क्या है, सलातीन की दुनिया बाद में आती। तो जनाब मन, सिंध के अंदर हमारे पास एक मखसूस जमीन है, मखसूस वसाइल। अगर हमारे पश्तून भाई आते हैं तो ये हमारे साथ दोस्ती नहीं है, मजबूरी है, जबर है। आप पाकिस्तान बना के हमें एक ट्रैप में लेके, मुसलमान हैं भाई हैं, पाकिस्तान बनाते हैं, आप हमें ट्रैप करके फिर हमें आंखें दिखाते हैं कि जी पश्तून भी आएगा, फिर पंजाबी क्यों आता है? यानी एक चीज हमारे साथ जाती है, उसको आप दलील बनाते हैं कि दूसरी भी होगी, फिर तीसरी भी होगी, फिर चौथी भी होगी, एंड एट इनफिनिटम। नहीं, ये सही नहीं है। आप आज जो कुछ करें कर सकते हैं। दिस इज शियर टेररिस्टिक एटीट्यूड्स दिस हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में इवेक्यू लॉज बना के हमारे सारे शहर टेररिस्ट लॉज के जरिए, टेररिज्म हैज टू बी डिफाइंड इन अ वे। एग्रेशन की मानी क्या है? आप 50 लोग लेकर किसी जमात में, किसी मुल्क में घुस जाएं, आप कहते हैं हमने जारियत नहीं की। क्या यह जारियत नहीं है? क्या आप लोगों के हुजूम लेके मंगोलों की तरह, हूनों की तरह किसी मुल्क में घुस जाएं, फिर कहेंगे जी हम मुसलमान हैं, भाई हैं, आ गए? दिस इज एन एग्रेशन। हमारे साथ एग्रेशन हुआ पाकिस्तान के बाद, हमारे वसाइल पर कब्जा किया गया, हमारे शहर हमसे छीन लिए गए, कराची पहले दिन हमसे किया गया, हमारे साथ धोखा किया गया, हमारे साथ फरेब किया गया, हमारे साथ दहशतगर्दी इस्तेमाल की गई। आज हम अपने शहरों में चोर हैं, हम यतीम हैं, मिस्कीन हैं, आंखें हमारी नीचे हैं। सारी दुनिया के हिंदुस्तान के जो बदतरीन जरासीम थे दहशतगर्दी के, नफरत के, मजहबी तासुब के, जो आदमी दर्दों की तरह लड़ते हैं, हमारे यहां ये रवायत नहीं है। हमारे यहां किसी हिंदू को किसी ने नहीं माना,
क्योंकि हम एक मुहज्जब तहजीब याफ्ता कौम है, हमें इंसान की इज्जत और तकद्दस का एहसास है। हम लड़ते हैं, हमारे मोहल्ले में जो आदमी रहता है वो महफूज रहता है। हम बच्चों को कत्ल नहीं करते, औरतों को कत्ल नहीं करते, छातियां नहीं काटते, और इस्लाम इस तरह नहीं फैलाते। इस्लाम की तबलीग को इस तरह जायज नहीं समझते कि तुम कंसेंट्रेशन कैंप बनाओ, टॉर्चर कैंप बनाओ और लंबी तकरीरें करो। इस्लाम कुरान कुरान समझते हैं। ये कुरान की बेइज्जती है, ये कुरान की तौहीन है कि इस नामुकद्दस और नापाक कामों में ऐसी मुकद्दस चीजों को नाम लिए जाए। ये सारे हजरात वहां बैठे हैं, हमारे साथ एक बैन अल-अक़वामी जुर्म किया जा रहा है। बैन अल-अक़वामी जुर्म हिटलर भी करता था, उसके पास भी दलाइल। गोएबेल्स भी नाचता था, अभी फोटो देखी, मैं जर्मनी गया, वो भी नाचता था, बहुत नाचता था, बड़े दलील उसके पास, बड़े पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। पोलैंड मेरा है, यूगोस्लाविया का मेरा है, बस खत्म, एंड पीरियड। इस पर मैं हमला करूंगा, रूस को खत्म करना है। अल-ड्यूस आई हैव प्रिपेयर्ड एन आर्मी व्हिच इज फिट टू स्टॉप द वेरी हेवन। कहां गया? वेयर इज द आर्मी दैट कॉन्कर्ड द हेवंस? अब आज बोते हैं, कल उसका नतीजा होगा। ये रूस में धमचक्कर वगैरह हुआ, उसका नाजायज फायदा लेकर पीपल आर इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री इन अ वेरी पिक्यूलियर इन एन एब्सर्ड एंड रिडिकुलस वे, व्हिच हैज नो फाउंडेशंस इन ह्यूमन हिस्ट्री। तीर मार लिया बहुत, देर वॉज अ वोल्केनिक एरप्शन इन द वर्ल्ड, हम कहते हैं कि हमने तीर मार लिया। वी डोंट एग्री विद दैट। ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद, इसकी कोई इल्मी दलील। बात यहां है कि आप आज बो रहे हैं अपने ताकत के जोर पर। पंजाब के वजीर आजम साहब सिंध के खिलाफ पहले दिन से हरकतें कर रहे हैं, पहले दिन से एक गठजोड़ है सिंध के खिलाफ। शहर खींच लो, शहरों में दहशतगर्दी करो, लोगों की जमायतें बनाओ, अंदर से एजेंसीज बनाओ, सारा दिन एजेंसीज बैठी हैं। हम पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करते हैं, हमारे भाइयों ने सिंध में एजेंट कायम खड़े किए हैं, जो सारा दिन कहते हैं हम पंजाब को तबाह करेंगे, जो सारा दिन कहते हैं हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे। वो नाच रहे हैं, किसके एजेंट हैं? इस्लामाबाद के एजेंट हैं। सिंध में तो कोई नहीं कहता, कि सिंध में कोई भी नहीं कहता। मैं चैलेंज करता हूं कि सिंध में कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी ये कहकर कि जी हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर तो बन के दिखाए। ये एजेंसी की मेहरबानियां हैं, ये सब आपकी नवाजशे हैं कि आप दो कोड़ी के आदमी खड़ा कर देते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ेंगे तोड़ेंगे, तो आपको मौका मिले कि आप आर्मी लाए, आपको मौका मिले कि हमें पाकिस्तान दुश्मन, पंजाब दुश्मन, अवाम दुश्मन, कातिल, भारतीय एजेंट, राह का एजेंट साबित करके। हम अच्छी तरह समझते हैं जनाबे बंद, हम तालीम याफ्ता लोग हैं, जाहिल नहीं हैं। हम जानते हैं कि आज के इंटेलिजेंस की स्ट्रेटजीज क्या हैं, हम पढ़े हुए हैं स्ट्रेटजी, हम टैक्टिक्स जानते हैं, हम डायरेक्शन जानते हैं, हमें पता है कि यह स्ट्रेटजी है कि गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम, यू आर हैंगिंग अस बाय स्लो स्टेजेस, कतरा कतरा करके आप हमारे बदन में, हमारे जिस्म में, हमारे समाज में जहर डाल रहे। और यू आर वेरी लविंग इट, यू आर वेरी जेनरस, यू आर वेरी काइंड। जी 1 लाख आ गया कोई परवाह नहीं है, 2 लाख आया कोई बात नहीं है, इस्लाम का दामन वसी है, आपका दामन क्यों नहीं वसी है? आप तो हमें एक नौकरी भी नहीं छोड़ते, आप तो हमें फौज में एक लेफ्टिनेंट भी देना नहीं चाहते, आपका दामन कहां गया? आपके दामन की वसतों को क्या हो गया? आप तो एक प्राइम मिनिस्टर को बर्दाश्त नहीं कर सकते 2 दिन के लिए वो प्राइम मिनिस्टर बन सके। आपके लिए तो हमारे सेनेट में सीट नहीं है, आपके पास तो हमारे पास कोई भी जगह सिंध के लिए पूरे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे दिखाएं सवाई स्टूडेंट के, और कौन है खुला है सिंध के लिए? आपके दामन में क्या है? और अब हमें सखावत के सबक पराए माल पर, सिंधी में कहते हैं पराए माल थे टोपी निराल थे, और कहते हैं मामा जे घर मेजबान, मुझे दिल के लोडोई कौन है? मेरे मामू के यहां मेजबान मेहमान आए हैं, मेरे दिल को कोई अंदेशा नहीं है। अब अपने माल पर कुछ सखावत भी करके दिखाएं जनाबे मन, तो हम देखें। पाकिस्तानी हमारे भाई हिंदुस्तान में थे, 1940 एग्रीमेंट में एक भी आदमी को सिंध में लाने के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं था। हम अनपढ़ लोग नहीं है, हमने पढ़ा है, हम वकील हैं, कानूनदान है। देयर वाज नो, दैट इज द ओनली बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान विच इज गॉट एनी लीगल वैलिडिटी, एक ही डॉक्यूमेंट 1940 रेजोल्यूशन। आपकी तशरीहें हम नहीं मानते, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू गिव एनी इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग द बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, यू आर नोबडी, यू आर इरेलेवेंट पीपल। आप कहां थे? आप थे कहां जब पाकिस्तान बन रहा था, जब लोग जेलों में जा रहे थे? आप हजरात तो अंग्रेज बहादुर के सामने अपने फलसफे जा रहे थे, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर इरेलेवेंट, नॉट ओनली इरेलेवेंट, यू आर विद द एनिमी, यू आर इन द एनिमी कैंप।
और आप हमें अभी सबक पढ़ाते हैं उन लोगों को जो जेलों में थे, मैं बचा था, हम लड़े, हमने जुलूस निकाला, हमने 1946 की इंडियन रिबेलियन जो था मिलिट्री का नेवी का, हमने जुलूस निकाला था कराची। आप कहां थे? व्हाट वर यू डूइंग? आर यू जनरल विद अटमोस्ट रेस्पेक्ट विद ग्रेटेस्ट ह्यूमिलिटी, आप कहां थे? सिंध में एग्रीमेंट यह है कि एक भी आदमी को सिंध के वसायल पर मुतसरफ होने का हक नहीं दिया गया। Not a single person, we are obliged to accept a single person as a burden on our economy. ये agreement नहीं था। फिर रास्ता बंद हो गया, इस तारीख के बाद लोगों की इंतकाल यहां बंद हो जाएगा, आपने वो भी तोड़ दी। उस दिन के बाद आप पाकिस्तान हिंदुस्तान में तो लाखों मुसलमान हैं, 10 करोड़ मुसलमान अभी हिंदुस्तान में बैठा हुआ है। अगर ये बिहारी हजरात जो हैं हमारे भाई, जो जिन्होंने जो कुछ कह रहा है नुमाया इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए और बरादरी के लिए जो सारी दुनिया में मशहूर हैं, अगर वो हक रखते हैं तो 10 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ है बर्रे सगीर हिंदू पाकिस्तान की इस इस्लामी मुमलकत में रहने का हक क्यों नहीं रखता? आप तो कल खड़े हो जाएंगे, आप कहेंगे ये भी मुसलमान है, हमारा दामन वसी है। फिर पंजाबी हजरात, आपके रहने की जगह भी नहीं होगी, अब हमारा मुल्क कर रहे हैं, सखावतें कर रहे हैं, यू विल बी द माइनॉरिटी। अगर 10 करोड़ आ गया, वेयर विल यू बी? यू बी नो वेयर। आपके दिमाग छूटे, आपने तारीख नहीं पढ़ी, आप तो कहते 1 2 3 लेफ्ट राइट मार्च हो गया। आपका तीर जो आपने मारा था वो तो हमने बंगाल में देखा। आपकी फहम फरासत, आपकी ये मशवरे, आपकी ये कह रहे खुदावंदी बनकर टूट पड़ो, फिर कह दे खुदावंदी पर बनकर टूट पड़े आप पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान की बका पर आप टूट पड़े, पाकिस्तान के वजूद पर टूट पड़े और सारी दुनिया में रुसवा कर दिया आप लोगों ने। हम कहते हैं इन लोगों को मतलब, हम जानते हैं कि ये आप इसलिए ला रहे हैं ताकि सिंधी लोगों को, जैसे मेरे भाई ने कहा, आप सजा दे सके। आप हमें पाकिस्तान में फिट नहीं देखते, हम आपकी आंख को नहीं भांति, आप हमें पसंद नहीं करते। आप जिस तरह बंगालियों को तहे तेह करने के लिए मनसूबे और साजिशें बना रहे थे, पहले दिन से आप सिंध के खिलाफ साजिश बना रहे थे, पहले दिन। आपकी हर अदा बता रहे, आपका हर दलील, आपका हर नजरिया, आपकी हर तशरी बताती है कि आप सिंध को नीस को नाबूद करने पर तुले हुए, उसके लिए आप दलाल के अंबार लगाए हुए। आस्ते आस्ते आप हमें पैरालाइज कर रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सिंधी नौकरी क्यों नहीं करते? आप दें, मैं आपको 5,000 नौजवान देता हूं, मुझे दें नौकरी, कहां है नौकरी? सब ले गए आप, यू हैव नॉट गिव अस एनी एम्प्लॉयमेंट इवन टू दिस डे। फौज में दे, मैं देता हूं आपको फौज में, लेफ्टिनेंट चाहिए मैं देता हूं, मेजर के लिए क्वालिफाइड चाहिए मैं देता हूं, नोबडी इज विलिंग टू एक्सेप्ट। ये हजरात जहां आएंगे वहां पहुंच जाएंगे। आप हमें अकलियत में तब्दील करना चाहते हैं, आई हैव रिटन अबाउट इट सम 20 ईयर्स बैक। ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट एक बड़ी घिनौनी साजिश करके सिंधी लोगों के हकपरस्त इंसान दोस्त मुहज़्ज़ब वजूद को बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि यू आर प्रिजनर्स ऑफ जिंगोइज़्म। आप समझते हैं हम खास मखलूक हैं, सारी दुनिया को फतह करना है? आप समझते हैं खुदावंद ताला ने आपको हाकम करके फतह कर दिया है और तुम लाल झंडे झंडा लाल कले पर झंडा लहराएंगे? आप समझते हैं इस लाल कले पर झंडा लहराने वालों में से हम नहीं है। वी बिलीव इन द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, इन डेमोक्रेसी, इन फ्रेटर्निटी, इन कोऑपरेशन, इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रेंडशिप एंड ह्यूमैनिटी। आप समझते हैं कि इसके लिए ये लोग फिट नहीं है, इसलिए आप हमें तहे तह करना चाहते हैं, आप दलाल लाते हैं, आप दुनिया भर से दहशतगर्द जमा करना चाहते हैं। पहले आपने इनको हथियारबंद किया है, ये सारा जो खेल है वो आपका है। हम बिल्कुल अच्छी तरह वी आर एब्सोल्युटली कन्विंस्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दैट यू वांट टू सी अस डेड एज पीपल। हमें मिल्कियत लेके हमें कंगाल और फकीर करके अपने मुल्क में बेवतन कर रहे हैं, ये डाकू भी आपके पास है, एवरीथिंग इज हियर। अब हम आपसे ये कहते हैं आप ताकत के जोर पर बेशक करें, ये दलाल बलाल हम जानते हैं क्या है दलाल की, दे हैव नो राइट टू बी हियर। क्या बंगाली मुसलमान नहीं है? वो इस्लामिक पीपुल्स डेमोक्रेसी नहीं है? क्या वो बंगाली मुसलमान वो मुसलमान है? हम मुसलमान हैं वो नहीं, उनके साथ क्यों नहीं रहते? क्यों नहीं रहे? क्या जमानत है कि हमें भी खून में डुबोने के लिए वो नहीं आएंगे? क्या जमानत है कि कल वो आपके साथ मिलकर हमारे यहां वही हालत और वही ड्रामा नहीं करेंगे जो इससे पहले किया है, जो आज भी किया जा रहा है? कराची क्या है? ये कराचा कराची प्रीव्यू है उस बात की जो आप करना चाहते हैं। दिस इज द फर्स्ट, ये जो ट्रेलर आप दिखा रहे हैं, आपने 20 बरस से आप ट्रेलर दिखा रहे हैं दहशतगर्दी का, कभी आपने सुना पंजाब में कभी ऐसी बात हुई जो कराची में हो रही है?
कभी आपने तस्वर किया कि औरतों की छातियां काट दी जाती हैं? पंजाब में ये रिवायत है, सरहद में है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है, औरत की तजलील की ये रिवायत है? नहीं, ये टॉर्चर जिसमें मशीनें लेके गड़ते हैं, ये कौन है? ये हमारे जबरदस्त आदमी है जो सिखाते हैं कि इस तरह लोगों को मुसलमान बनाया जाए। जनाब अली, हम इसकी सब मुखालफत करते हैं। ये सिंधी लोगों के साथ जुल्म है, ये बैन अक्वामी जुर्म है, ये एक मजलूम और महकूम और पुरमन कौम के साथ के वजूद मिटाने की साजिश की एक बहुत बड़ी कड़ी है। हम आपसे अपील करते हैं पंजाब के लोगों से, क्या आप गौर करें? आज हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि हम आपको मुतासर कर सकें, क्योंकि आपके पास ताकत है, आपके पास नहीं है, आप तो महरूम है खुद, लेकिन हुक्मरान तबकों के पास ताकत है और उनके दिमागों में बड़े बड़े ख्वाब हैं सारी दुनिया पर हुकूमत करने, हिटलर से भी बड़े ख्वाब हैं, ठीक है, लेकिन आप ये समझें अखलाकन कि हम आपके साथ हुए थे उस दुखी वक्त, मुश्किल वक्त में, जब पाकिस्तान हमारे बगैर बन नहीं सकता था। कायदे आजम हमने दिया आपको, पाकिस्तान का पहला रेजोल्यूशन हमने आपको दिया, पहला तख्तगाह हमने दिया, इनको मेजबानी का के लिए रास्तों पर खड़े हम थे, देगे हमने पकाई थी अपने हम जुबानों के लिए नहीं, जैसे पंजाब में हुआ है। हमने और लोगों के लिए जिनकी जुबान हमारी नहीं थी, जो हमसे नफरत करते थे, जो हमें दरअसल फतह करने आए थे, लेकिन हमने अपने दिल उनके लिए खोल दिया। ये नहीं कि हम फसाद बलागत से मुतासर हुए थे, लंबी धाराएं और तकरीरें और डांसें वगैरह करने से मुतासर थे। हम सीधे साधे लोग हैं, अखड़ हैं, देहाती लोग हैं, ये तकरीरें शकरीरें हमारे नजर में कोई वक्त नहीं रखती। हम इंसान का दिल देखते, हमने देखा था कि ये मजलूम है, हमने अपना दिल पेश किया। आज हमारे साथ ये सुलूक किया जा रहा है, क्या इसका कोई नतीजा दुनिया में नहीं होगा? आप जो आज बोल रहे हैं, यू विल गेट अवे विथ इट विद ऑल दीज स्पीचेस एंड ऑल दीज लेफ्ट साइड एंड ऑल दैट, डू यू थिंक देयर विल बी नो कॉन्सिक्वेंसेस? तारीख में कोई भी ऐसा फेल नहीं होता जिसका नतीजा न हो, आज न हो तो कल होगा, कल होगा तो परसों होगा। बिवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, बिहेव एंड डोंट ब्रिंग दिस डिजास्टर अपॉन अस। थैंक यू जेंटलमैन।